अब ये मत कहिएगा कि नहीं, क्योंकि मेरे पास आप दोनों के आपस के ताल्लुकात के तमाम सबूत मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो मैं दिखा भी सकता हूँ। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं। तो फिर मुनासिब ये कि हम कहीं बैठ के बात कर लें। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सोच लें, इसमें आप ही का फायदा। मेरा फायदा? ये तो आप सुनेंगे तो पता लगेगा। और मुनासिब ये है कि हमें कहीं बैठ के बात कर लेनी चाहिए। देखिए मिस्टर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। एंड नाउ एक्सक्यूज मी। You must be Nikki, right? I'm Nikki. How do you know that? मैं नाहिद की दोस्त हूँ. Do you know Dr. Kashif? Of course I know Uncle Kashif. I'm his wife, Kinza. Oh my God, your sherry is. Please, आगे मत बोलना, बहुत अजीब लगता है. सारी बातें अजीब सा लगेगा क्योंकि आप you're as old as us. हाँ, maybe younger than you. नाहिद का है? अम्मा just stepped out. उनको कोई काम था. She'll be back in a bit. आप आए ना अंदर? अभी बताया तो है. क्या बताया आपने? कि हम सेम एज ग्रुप के, तो आप जनाब छोड़ो, तुम बोलो. वेल, तुम अंदर आओ, कॉफ़ी पियो, कुछ ठंडा. अंदर जाने की आई ज़रूरत नहीं है, बाहर बैठते हैं, अच्छा मौसम है. वी कैन सिट एनीवेयर, वेयर डू यू वांट टू सिट? यहीं बैठते हैं ना. श्योर? ओके. नाहिद से तो मेरी तकरीबन रोज़ ही मुलाकात हो जाती है. यू नो, काशिफ और वो दोस्त हैं, बहुत सी चीज़ें तो मुझे नहीं पता होती काशिफ के बारे में जो नाहिद बताती है. वो दोस्त जो हैं इसलिए. वैसे आज तो मैं तुमसे मिलने आई. नाइस ऑफ यू. इट्स फाइनली अ प्लेजर टू मीट यू. सेम. चेरी ने बताया मुझे सब कुछ. मैं समझी नहीं. निकी, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है. मालूम है. तो फिर तुम उससे नाराज क्यों? मैं उससे नाराज नहीं. समटाइम्स लव जस्ट इज़न्ट इनफ. लाइफ में प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी होता है. तो उसे वक्त दो. उसको मैंने बहुत वक्त दिया है, उसे बहुत समझाने की कोशिश की है. ही डजंट सीम टू अंडरस्टैंड. निकी, वो देखो मम्मी आ गई, उसको बैठा. What a nice surprise, Kinza. कैसी हो? मैं कब आई? बस अभी कुछ देर पहले. मैंने सोचा तुम हमेशा गिला करती रहती हो कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं आती, तो आज तुम्हारा गिला दूर कर दूं. हाँ भाई, मुझे तो तुमसे बहुत गिला है. निकी, बिठाया नहीं? मैंने कहा था कि बैठ रही हूँ, कहती अम्मी को आने दे, फिर हम इकट्ठे बैठ के कॉफी पीएंगे. एक्चुअली बाहर भी तो इतना अच्छा वेदर है, तो मैंने सोचा बाहर ही बैठते हैं. हाँ, ये तो है. चलो तुम लोग बैठो, मैं फ्रेश होके आती. ओके. विम के नए फॉर्मूले में है असली लीमू की ताकत, जो चिकनाई को तेजी से काटे सिर्फ एक वाइप में. एक वाइप में लीमू की ताकत तेजी से चिकनाई काटने के लिए. एक ही वाइप. नया फिम लीमू की ताकत के साथ सबसे तेज चिकनाई काटे एक वाइप में. जी हाँ, अब तो सभी गवाही देंगे कि 49 पैसे फी 30 सेकंड के इंतहाई सस्ते रेट पर कॉल सिर्फ यू फोन से होती है, वो भी तमाम नेटवर्क्स पर 24 घंटे. ठीक है, अभी तो मुझे कहीं जाना था.
नो प्रॉब्लम, मैं फिर आ जाऊँ। नहीं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपको खुद बताऊंगी कब और कहाँ मिलना। नंबर तो खैर मैं आपको नहीं दूंगा अपना, लेकिन मेरे पास आपका नंबर है, मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट करूँगा। ओके। देखो, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि शेरी तो ना समझे, तो तुम ही समझदारी से काम लेना होगा। क्या करूँ, उसे बात करो कम अज कम। मैंने उसे बहुत बात करने की कोशिश की है, बहुत समझाने की कोशिश की है, हर चीज को वो नेगेटिव ले लेता है। फ्रेंकली मैं लड़ाइयों में नहीं पढ़ना चाहती। ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में उदास है और मुझे डर है कि वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। इसलिए प्लीज मेरे कहने पर तुम एक बार उससे बात कर लो प्लीज। एक शर्त, आप मेरे साथ अंदर आके कॉफी पिए। आप नहीं तुम। चलो तो ओके। तुम निकी को फोन करो। किंजा, देयर इज नो पॉइंट, मुझे पता है वो मुझसे बात नहीं करेगी। तुम फोन करो ना। किंजा, आई एम टेलिंग यू, वो मुझसे बात नहीं करेगी। देखो, मैं कह रही हूँ ना, तो तुम फोन करो। हाँ, अगर तुम बात नहीं करना चाहते हो तो दैट इज समथिंग एल्स। नहीं, मैं करना चाहता हूँ। देन डू इट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आर यू श्योर? डू इट, कम ऑन। Say hello. Hello, Nikki. This is me, Sherry. How are you doing? I'm sorry. Oh yeah. Yes, everything is all right. No, I'm all alone. No matter whatever the fuck happens to me, you're my John, my sweetheart, my cotton candy. Even if I die, John, I promise I'm staying you high. I stay in you free, protect because the spirits can speak. Every time, every month, whatever the fuck I dream, you listen to smile without carrying your own worries. Every night you took away my pain and staple my heat. John, you're the only reason why this dog still breathes. You're the word to my lyrics, my poem to my dream. Imagination to my vision, the world's greatest dream. You know what, Kenza? You're a true friend. Thanks. I'm really proud of you.